हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार यूनिक सा ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना तो है ही बहुत आसान, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और इसको कोई भी खा सकता है, बच्चे भी और बड़े भी। बहुत ही कम सामान के साथ हम बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए थे 1 कप चावल, जिनको मैंने रात भर भिगोकर रख दिया था। चावल अच्छे से भिगोने के लिए मैंने रात में रख दिए थे। तो चावलों को एक ग्राइंडिंग जार में डालकर और उसमें 2 चम्मच बेसन को हम ऐड कर देंगे। पहले हमें सिर्फ 2 चम्मच बेसन ही ऐड करना है और जब हमें लगेगा तो हम आगे और भी बेसन ऐड कर लेंगे। तो इसमें पानी डाल के इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, अच्छे से पिस गया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल महीन सा हमारा घोल तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे फिर से 2 चम्मच बेसन और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल भी कोई भी लम्स ना रहे। बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जितना मैं ऐड कर रही हूँ सिर्फ उतना ही करना है, वरना बेसन बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा। तो मैंने ले लिए कुछ वेजीज, जैसे 1 शिमला मिर्ची और 2 आनियन और मैंने 2 टमाटर को कट किया हुआ है और ये हैं बॉयल किए हुए स्वीट कॉर्न। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। अगर आप अदर वेजीज खाना चाहते हैं तो आप अदर वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्ची और ये है मिक्स हर्ब, जिससे जब हम इस नाश्ते को खाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और आप चाहें तो यहाँ पर अदर वेजीज भी ऐड कर सकते हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर सकते हैं या फिर जिंजर गार्लिक को भी अच्छे से कद्दूकस करके ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैं इतनी ही चीज़ें डाल रही हूँ। तो देखिए, इसको रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो मैंने ले लिए है 1 कढ़ाई और उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। आप चाहें तो ऑयल को कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी सफ़ेद तिल। तो अभी विंटर में सफ़ेद तिल तो किसी भी रेसिपी में आप डालेंगे, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ राई। तो राई और तिल को अच्छे से चटकने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया करी पत्ता और मैंने ढक दिया, क्योंकि जब करी पत्ता हम ऐड करते हैं तो करी पत्ता बहुत ज़्यादा उचकने लगता है। तो जैसे ही करी पत्ता थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ तो जो बैटर हमने बनाकर तैयार किया था उसको कढ़ाई में इस तरीके से फैला देंगे। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो बैटर है उसको बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। इतना रखना है कि ये जब पके तो हमको पलटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो नाश्ता है चावल का, ये ऊपर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से सॉफ्ट, वो आपको आगे को देखने मिलेगा। तो अब मैंने इसको रख दिया ढक के, थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी। और अब इसके बाद इसमें डाल देंगे ऊपर से ऑयल। आप चाहें तो इसको कम ऑयल में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इसको मैं पलट दूंगी, लेकिन ये छोटा है, स्पैचुला इससे नहीं पलट रहा है, तो मैं स्पैचुला को चेंज करके फिर पलट दूंगी। लेकिन सावधानी से आपने पलटना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और टूट भी बहुत जल्दी जाता है। तो बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और देखिए, ऊपर से तो अच्छा गोल्डन क्रिस्पी हो गया है, तो इसको ढक के फिर से रख देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे नीचे से पक जाएगा। मैं इसको पलट दूंगी तो देखिए हल्का सा टूट गया है, क्योंकि अंदर से सॉफ्ट रहता है। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को मैं बनाकर तैयार कर लूंगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, यकीन मानिए, और हेल्दी तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने दूसरा भी तलकर, मतलब फ्राई करके रेडी कर लिया है। दिखने में कितना अच्छा लग रहा है हमारा नाश्ता। तो इसको आप कच्चे चावल का उत्तपम भी बोल सकते हैं, और जिस तरीके से हम खांडवो बनाते हैं, गुजराती रेसिपी है खांडवो, उस तरीके से भी हम इसको चावल का खांडवो भी कह सकते हैं। अब इसको मैं कट कर दूंगी पिज़्ज़ा कटर से और आप देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से कट हो रहा है हमारा नाश्ता। तो आप इसको पैनकेक, उत्तपम, खांडवो, जो नाम देना चाहते हैं दे लें, मुझे तो कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये नाश्ता
बनकर तैयार हुआ और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। स्पेशली जब मैंने इसमें स्वीट कॉर्न जो डाला हुआ है उससे ये वाला नाश्ता बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बन गया। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता घर में, सब्जियाँ तो आजकल बहुत आ रही हैं विंटर में, तो सिर्फ चावल और थोड़ा सा बेसन के साथ आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, या फिर झटपट से कोई गेस्ट आ जाए आपको कुछ समझ में ना आए तो जल्दी से आप ये सब्जियां वगैरह काट के, और ज़रूरी नहीं है कि चावल को आप पानी में भिगो के ही रखें, अगर आपके पास चावल का आटा है तो उससे भी ये वाला नाश्ता तैयार हो जाएगा। तो देखिए एक और मैंने उत्तपम तैयार कर लिया है और सारा नाश्ता रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये वाली रेसिपी नाश्ते की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।